नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 3 का पर्यावरण अध्ययन का पाठ 24 पढ़ने वाले हैं। क्या नाम है पाठ का, पढ़िए। आओ सवारी करें, है ना। इस पाठ के मुख्य बिंदु क्या है, पहले हम उसे देख लें कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम इसमें विभिन्न प्रकार के वाहनों की बात करेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा विभिन्न प्रकार के वाहन मतलब, हाँ बिल्कुल सही, कुछ वाहन जो जमीन पर चलते हैं, कुछ पानी में और कुछ हवा में उड़ते हैं, है ना। तो इन सब की हम बात करेंगे और कम दूरी और ज़्यादा दूरी तय करने वाले वाहनों की भी हम बात करेंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप स्कूल कैसे जाते हैं, तो बहुत से बच्चे कहेंगे कि हमारा स्कूल तो पास है, हम तो पैदल जाते हैं। पर बहुत से बच्चों का उत्तर ये नहीं होगा, क्योंकि अगर वो दूर रहते हैं तो वो क्या कहेंगे कि हम, कोई कहेगा ऑटो से जाते हैं, कोई रिक्शे से, है ना। तो देखिए आपके पुस्तक में 104 पृष्ठ पे ये चित्र दिखाए हैं, है ना। निकालिए 104 पृष्ठ और देखिए। तो 104 पृष्ठ पर दिखाए गए चित्रों को देखकर जो प्रश्न मैंने आपसे किया इसका उत्तर दीजिए, ठीक है। चलिए, मैंने एक और प्रश्न आपसे पूछा है कि आप बाजार जाते हैं, है ना, सामान कुछ लाने, मम्मी ने कहा तो जाते हैं ना, तो आप किस साधन से जाते हैं। तो आप में से बहुत से बच्चे जो होंगे वो साइकिल चलाना भी जानते होंगे, है ना। तो देखिए यहाँ दो साइकिलें हैं ना, लड़कों और लड़कियों के लिए, है ना। तो आप कहेंगे कि हम साइकिल से जाते हैं। किसी के घर के पास है तो वो कहेगा मैं पैदल जाता हूँ, और किसी के घर से दूर है तो वो अपने भैया या दीदी के साथ या पापा के साथ जाएगा। तो ऐसे कोई 3 साधन आपको लिखने हैं, ठीक। अब एक और प्रश्न, आपके पिताजी जो हैं वो काम पे जाते हैं, तो वो किस साधन से जाते हैं, इसका भी उत्तर लिखिए। यहाँ मैंने आपको मदद करने के लिए 2 वाहन के चित्र दिखाए हैं, है ना, ये देखिए। अब यदि हमें एक पास वाली जगह जाना है तो आप कैसे जाएंगे, आप कहेंगे पास ही तो जाना है तो हम तो पैदल जाएंगे, ठीक। और अगर यदि दूर जाना है तो आप कैसे जाएंगे। अब इसका उत्तर तो एक नहीं हो सकता, क्योंकि किसी के घर मोटरसाइकिल है, किसी के घर स्कूटर है, किसी के घर कार है, कोई साइकिल से जाएगा, है ना। तो ये अलग अलग वाहन जो हैं वो लंबी दूरी तय करने के लिए होते हैं। अब यहाँ पर आपकी पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 97 पर 2 चित्र दिए हैं, है ना, इन्हें ध्यान से देखिए और बताइए कि चित्र में व्यक्ति जो है वो किस साधन का उपयोग कर रहे हैं। आपने ये दोनों साधन देखे होंगे, बिल्कुल देखे होंगे, है ना। तो आपको इन दोनों के नाम लिखने हैं, ठीक है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक रामू नाम की जो किसान है उसकी बात की गई है, कि रामू के जो पिता हैं वो धान बेचने मंडी जाना चाहते हैं। अब वो धान को मंडी तक कैसे ले जाएंगे। आपके जवाब के लिए यहाँ मैंने फिर से 3 चित्र दिखाए हैं, चलिए इसका उत्तर भी लिखिए। देखा आपने, इन सारे प्रश्नों के उत्तर लिखने में आपने कितने सारे वाहनों के नाम बता दिए। हमें सामान को लाने या ले जाने या कुछ वजनी सामान को ढोने के लिए वाहन का उपयोग करना पड़ता है। आपकी पुस्तक के 97 पृष्ठ पे बहुत सारे वाहनों के चित्र दिए गए हैं इस तरह के, है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें देखना है और ये बताना है कि इसमें सामान ढोने वाले वाहन कौन कौन से हैं। अगर आपको सही पता है तो आप उस पर इस तरह का सही का निशान लगाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर एक और बात करें, हमारे छत्तीसगढ़ की बात है। आपने बस्तर का नाम सुना होगा, है ना, छत्तीसगढ़ में। तो बस्तर का जो दशहरा होता है वो बहुत मशहूर है, और अगर आप रायपुर से उस दशहरे को देखने के लिए बस्तर जाना चाहते हैं तो आप कैसे जाएंगे, या आप किन साधनों का इस्तेमाल करेंगे, ये आपको इस
दो चित्र को देखकर लिखना है ना? तो इसका उत्तर भी आप अपनी कॉपी में लिखिए। ये जो आगे दिखा है मैंने कि बस की तुलना में रेलगाड़ी कम समय में ज़्यादा दूरी तय करती है। आपने रेलगाड़ी देखी है, कहाँ चलती है? बिल्कुल सही, रेलगाड़ी जो है वो पटरियों पर चलती है और बहुत तेज चलती है ना? लखन नाम का लड़का जो है उसके पापा क्या है? मछुआरा। मछुआरा किसे कहते हैं? जो मछली को पकड़ता है ना? तो उन्हें मछली पकड़ने के लिए, मछली कहाँ रहती है? पानी में, तालाब में, तालाब जाना है तो तालाब के किनारे पे तो नहीं रहती, वो तो पानी में अंदर रहती है, तो वो उसमें कैसे जाएंगे, किस में बैठ कर जाएंगे, बताइए तो। बिल्कुल सही, ये देखिए वो इसमें बैठ के, जो पानी में चलने वाले वाहन हैं जैसे डोंगा, और अगर समुद्र की बात करें तो समुद्र में जहाज चलते हैं, तो वो इसमें बैठ कर जाएंगे। और पानी में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव, डोंगा, जहाज, इन वाहनों का उपयोग होता है। ठीक है बच्चों? और अगर मैं कहूँ कि हमें एक देश से दूसरे देश जाना हो, तब हम क्या ट्रेन से या कार से जा पाएंगे? बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। ऐसे समय हमें कम समय में भी जाना है ना, तो हम हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज़ का इस्तेमाल करते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये तो रेलगाड़ी से भी तेज़ चलते हैं, है ना? तो आज हमने बहुत सारे वाहनों की बात की, हमने ये देखिए ये सारे बिंदु हम बात कर रहे हैं, हम काम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते हैं। इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? वाहन का, है ना? और वाहन विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे जमीन पे चलने वाले, पानी में चलने वाले और हवा में भी चलने वाले वाहनों की हमने आज बात की। कुछ वाहन धीमे चलते हैं और कुछ वाहन बहुत तेज। तो बच्चों आज हमने बहुत सारे वाहनों के बारे में जाना, आपने इन वाहनों को जाना और आपको कितना समझ में आया, इन अभ्यास के प्रश्नों को हल कर कर हम जानेंगे। अभ्यास के प्रश्न में पहला प्रश्न है कि सोचिए अगर आपको अपने माता पिता के साथ एक शादी में भोपाल जाना है, भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में, है ना? तो आप कैसे जाएंगे? और यहाँ पर आपको बहुत सारे विकल्प दिए गए हैं ना, आप बस से जाएंगे, आप रिक्शे से जाएंगे, आप रेल से जाएंगे, ऑटो से जाएंगे या स्कूटर से जाएंगे, पानी के जहाज़ से जाएंगे, बैलगाड़ी से जाएंगे या साइकिल से। तो आपको बताना है और उसमें सही का निशान लगाना है कि आप किस वाहन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब और प्रश्नों की हम बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान पढ़िए, सबसे तेज हवा में चलने वाला वाहन है। आपको पता है हवा में सबसे तेज वाहन कौन सा चलता है? बिल्कुल सही, हवाई जहाज। तो उत्तर क्या आएगा? हवाई जहाज। ठीक, दूसरा प्रश्न देखिए, पटरी पर चलने वाले वाहन का नाम है क्या? है रेलगाड़ी। बिल्कुल सही। तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे हम, बैलगाड़ी रिक्त स्थान की सहायता से चलती है। आपको पता है बैलगाड़ी बैलों की सहायता से चलती है ना? तो उत्तर क्या आएगा? बैलों की सहायता से चलती है। चौथा प्रश्न देखिए, पुराने जमाने में लोग रिक्त स्थान पर सवार होकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। पुराने जमाने में वाहन नहीं थे तो ऐसे समय तेज दौड़ने वाले जानवरों का इस्तेमाल होता था, जैसे कि घोड़े। तो यहाँ पर उत्तर क्या आएगा? घोड़े पर सवार होकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। इस पाठ के अंत में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। पहला प्रश्न पढ़िए, निम्नलिखित के दो दो उदाहरण दीजिए। पहला है सामान ढोने वाले वाहन, तो ऐसे दो वाहनों के आपको नाम लिखने हैं। दूसरा प्रश्न पढ़िए, एक शहर या गांव से दूसरे शहर या गांव
जल्दी पहुंचाने वाले वाहन जिसमें हमें कम समय लगे, तो ऐसे दो वाहनों के आपको नाम लिखने हैं। इसके बाद एक और प्रश्न है, दूसरा प्रश्न पढ़िए। यात्रा में लगने वाले समय के आधार पर इनको धीमी गति से तेज गति के क्रम में चलने वाले जो वाहन हैं उन्हें लिखना है। तो इसमें सबसे धीमा जो है उसे आप सबसे पहले लिखेंगे और जो सबसे तेज है उसे सबसे आखिर में। इसमें कौन कौन से वाहन हैं पढ़िए, बैलगाड़ी, पैदल, हवाई जहाज़, रेलगाड़ी, मोटरसाइकिल। तो इन्हें आपको क्रम में लगाना है, ठीक है। तो इन प्रश्नों को हल करने के बाद एक और आपको मैंने गृह कार्य दिया है, ये देखिए, इसे आपको घर में करना है। आपको कौन सा वाहन सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों? आपको जो भी वाहन पसंद है और वो क्यों पसंद है, क्योंकि हमें कोई चीज़ अगर पसंद है तो हमें उसका कारण भी बताना होता है ना। तो आप लिखेंगे कि वो कौन सा वाहन है और आपको वो क्यों पसंद है, ठीक है। और अपने पसंदीदा वाहन का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए, ये तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा। तो चलिए इस गृह कार्य को करिए और मज़े लीजिए। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।